नमस्ते एंड वेलकम टू सिंपल लर्निंग। सो वी आर कमिंग एंड डिस्कसिंग द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एक्शन रिसर्च दैट इज टर्म्ड एज वाइवा वोसी। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ वाइवा वोसी, द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो वाइवा वोसी में पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे एंड ऑल्सो फ्यू टिप्स टू अटेंड दिस वाइवा वोसी, या फिर सिंपल हम वाइवा भी बोलते हैं। सो लेट अस सी इन दिस प्रेजेंटेशन अबाउट ऑल दिस। सो लेट सी कि दिस वाइवा वोसी इन एक्शन रिसर्च कब होता है। सो लेट अस सी, आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट द बीए ट्रेनी टीचर हैव टू अपियर फॉर द वाइवा वोसी या फिर वाइवा। तो दिस मीन्स कि आफ्टर यू कंप्लीट योर फुल एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, आपने प्रॉपर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट बना लिया है, तब एज अ बीए ट्रेनी टीचर यू हैव टू अपियर, आपका वाइवा शेड्यूल किया जाएगा, उस दिन आपको वाइवा के लिए अपियर होना है। ठीक है, सो कमिंग स्लाइड से आई विल नॉट राइट वाइवा वोसी, आई विल जस्ट राइट वाइवा। सो वेरी फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वाइवा फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट सी द डिटेल्स कि मीनिंग क्या है वाइवा का और एक्शन रिसर्च में इसके अदर फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। तो वाइवा इज एन एग्जामिनेशन वेयर प्रैक्टिशनर आंसर्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिज और हर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इन स्पीच। तो वाइवा एक तरह का एग्जामिनेशन है जो ओरली थ्रू कम्युनिकेशन दिया जाता है बाय द प्रैक्टिशनर। नाउ एज वी ऑल नो कि प्रैक्टिशनर राइट नाउ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर मतलब जो बीए ट्रेनी टीचर है। यूजुअली एक्शन रिसर्च में प्रैक्टिशनर कौन होता है? एनी वन हु इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग द एक्शन रिसर्च। इट कैन बी अ टीचर, इट कैन बी अ प्रिंसिपल, एडमिन, एनी वन। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बी ए टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं थ्रू स्पीच। कंटिन्यूएशन, इट इज एन ओरल असेसमेंट ऑफ द एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट विच गिव्स द प्रैक्टिशनर एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिज और हर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओरल असेसमेंट किया जाता है बाय द एग्जामिनर, जहाँ पे रिसर्चर को ये अपॉर्चुनिटी, दैट इज प्रैक्टिशनर को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है, स्टूडेंट टीचर को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने रिसर्च के बारे में, अपने एक्शन रिसर्च के बारे में एग्जामिनर को एक्सप्रेस करे अच्छे से, पूरे उसके बारे में बताए, जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर उसको क्लियरली समझाए, आंसर दे। ठीक है, ऑल्सो एंड इट असेस द एग्जामिनर्स इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट द प्रैक्टिशनर हैव डन द वर्क सिंसियरली। तो यहाँ पे इन दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इन दिस प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, जब एग्जामिनर को पता पड़ता है कि ओके द पर्सन, द प्रैक्टिशनर जो स्टूडेंट टीचर है वो सही से आंसर दे रहा है, तो वो क्लैरिटी आती है कि येस वेदर द पर्सन हैज डन द वर्क प्रॉपरली और नॉट। एक और चीज है, इट इज कंडक्टेड टू फाइंड द प्रैक्टिशनर्स इनसाइट टुवर्ड्स द स्टडी कंडक्टेड। तो एक्शन रिसर्च में वाइवा इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि जो एग्जामिनर है उनको ये क्लैरिटी आए कि जो भी ये एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट लेके आया है, जो स्टूडेंट टीचर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट हार्ड कॉपी लेके आया है, जो बनाई है वो उसने खुद ने बनाई है, उसको सारी डिटेल्स रिलेटेड टू द वर्क डन पता है एंड ही हैज दैट इनसाइट टुवर्ड्स द स्टडी ही और शी हैज कंडक्टेड। सो दिस इज वाई एक्शन रिसर्च में वाइवा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फाइन, लेट अस सी अदर डिटेल्स। इस एक्शन रिसर्च के वाइवा में यूजुअली व्हेन इट इज कंडक्टेड इन बीएड इंस्टीट्यूशंस, नंबर ऑफ एग्जामिनर्स जो होते हैं वन या मोर देन वन होते हैं। मोर देन वन दैट इज कि आपके गाइड है साथ में और ऑल्सो एक एक्सटर्नल एग्जामिनर है। नाउ एक्सटर्नल एग्जामिनर मे बी समवन फ्रॉम योर ओन इंस्टीट्यूशन, आपके ही टीचर है लेकिन वो आपके गाइड नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। सो यूजुअली वन और मोर होते हैं या फिर एज पर योर इंस्टीट्यूशन जैसे भी वो परफॉर्म करते हैं वाइवा, इट इज ऑल अप टू देम। नेक्स्ट, इट कैरीज मार्क्स। तो ये एक्शन रिसर्च जो है आपका कंप्लीट एक्शन रिसर्च मस्ट बी केटरिंग टू फ्यू मार्क्स। ठीक है, कुछ मार्क्स होंगे आपके एक्शन रिसर्च के बीएड करिकुलम में आपके। तो ये एक्शन रिसर्च में आपके प्रोजेक्ट के अलावा फ्यू मार्क्स आर केप्ट फॉर वाइवा ऑल्सो। सो वाइवा में मार्क्स होते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिशनर कैन ऑल्सो डू प्रेजेंटेशन। सो यू एज अ स्टूडेंट टीचर कैन ऑल्सो डू प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ
पीपीटी प्रेजेंटेशन और एनी अदर मोड जहाँ पे आप पूरा आपका जो एक्शन रिसर्च किया है उसको आप समराइज करते हैं। अगेन ये ज़्यादातर फंडामेंटल रिसर्च में होता है, बट आपके इंस्टीट्यूशन अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहता है कि प्रेजेंट इट, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन। अदरवाइज यूजुअली एक्शन रिसर्च वाइवा बीएड इंस्टीट्यूशन में ओरली होता है, दैट इज इट इज एन ओरल असेसमेंट। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन रिसर्च क्या है और उसका एक्शन रिसर्च वाइवा क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सो इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्शन रिसर्च वाइवा में पूछे जा सकते हैं। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन वाइवा। तो बेसिकली टू कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। वेरी फर्स्ट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च टॉपिक। तो दिस कैन बी फैक्चुअल क्वेश्चंस और कैन बी रिलेटेड टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो स्पेसिफिकली आपने जो एक्शन रिसर्च किया है एज अ ट्रेनी टीचर या स्टूडेंट टीचर, उससे रिलेटेड आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जामिनर, या फिर वाई क्वेश्चंस, हाउ क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। विल बी सीइंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फ्यू एग्जाम्पल्स इन द कमिंग स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट इज की क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रैक्टिशनर्स। तो लर्निंग क्या हुई, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कि आपकी क्या लर्निंग हुई एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ स्टूडेंट टीचर। ऑल्सो एटीट्यूड से रिलेटेड, आपका एटीट्यूडनल चेंज या एनी थिंग रिलेटेड टू योर बिहेवियर टूवर्ड्स द स्टडी या टूवर्ड्स द टॉपिक विच यू हैव चूजन, एनी थिंग। एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द फ्यूचर आस्पेक्ट, कि आपने जो भी एक्शन रिसर्च किया है उसको आप फ्यूचर में किस तरह से यूटिलाइज करेंगे एज अ टीचर। सो दीज आर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क, दैट इज द एरिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मतलब किस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिकली दो होते हैं, दैट इज कि एक्शन रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड, प्योरली टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या फिर आपका पर्सपेक्टिव एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ स्टूडेंट टीचर, आपने जो ये पूरा एक्शन रिसर्च किया, सो हाउ डिड यू फील अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस और समथिंग लाइक दैट। तो इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू यू एज अ प्रैक्टिशनर। सो लेट अस सी फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वेरी फर्स्ट विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च टॉपिक। ओके, लेट अस सी सैंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग वाइवा रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च टॉपिक। ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस से रिलेटेड फ्यू सैंपल्स देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट द टाइटल ऑफ द स्टडी। तो जो आपका टाइटल है, जो आपका टॉपिक है ऑफ द स्टडी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर एक्शन रिसर्च। सो यू नीड टू रिमेम्बर कि आपके एक्शन रिसर्च के जो एक दो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए होंगे तो वो क्या है, तो आपको वो बताने होंगे। व्हाट वॉज द सैम्पल साइज ऑफ द स्टडी। सो जस्ट टेक केयर कि आपका क्लियर कट सैम्पल साइज आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने स्टूडेंट्स का डेटा गैदर किया है या उनके ऊपर एक्शन रिसर्च किया है। बोथ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के कॉमन होने चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है उसके बाद एग्जामिनर और पूछे कि प्री टेस्ट में कितने थे, पोस्ट टेस्ट में कम हुए या बढ़ गए, आपने फाइनल सैम्पल साइज कितना है। सो यू नीड टू नो योर सैम्पल साइज। ठीक है, दीज आर द फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी क्वेश्चन वे देयर इन योर टूल। तो यू मस्ट बी हैविंग योर क्वेश्चनेयर, रेटिंग स्केल और एनी अदर टूल। ठीक है, तो उस टूल में आपने कितने क्वेश्चंस बनाए, तो वो एक जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर टू नो कि यू आर अवेयर अबाउट योर टूल ऑल्सो। फाइन, नेक्स्ट इट इज हाउ मेनी एक्शन मॉड्यूल्स यू हैड इन योर एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो आपने एक्शन रिसर्च में मॉड्यूल्स बनाए होंगे, एक्शन प्लान्स बनाए होंगे, तो कितने मॉड्यूल्स बनाए आपने, कितना टाइम लगा ईच मॉड्यूल से रिलेटेड, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस द एग्जामिनर कैन आस्क। नेक्स्ट इज नेम द टेक्निक ऑफ एनालिसिस यूज्ड इन योर स्टडी। नाउ एक्शन रिसर्च में एनालिसिस टेक्निक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं यूज होती है, बट जो भी टेक्निक आपको सिखाई है आपके टीचर एडुकेटर्स ने, तो वो टेक्निक के बारे में उसका नाम आपको पता होना चाहिए। आपने कुछ एडिशनल टेक्निक यूज की है या आपने मीन निकाला है या फिर एनी अदर स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज की है, परसेंटाइल निकाला है या एनी अदर फॉर्म, तो आपको बताना है कि आपने कौन सी टेक्निक यूज की है टू एनालाइज योर
प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज विच रिसर्च बुक यू रेफर्ड फॉर योर स्टडी। ठीक है, सो इट इज एक्शन रिसर्च, दैट डजंट मीन कि आपको ऐसे ही ब्लाइंडली करना है, यू ऑल्सो हैव टू स्टडी अ लिटिल अबाउट रिसर्च। ठीक है, तो फ्रॉम द लाइब्रेरी आपके टीचर ने आपको कहा होगा, या यू योर सेल्फ वेंट टू द लाइब्रेरी एंड यू कलेक्टेड द डिटेल्स अबाउट वॉट एग्जैक्टली इज रिसर्च, क्या है एक्शन रिसर्च। तो एज अ स्टूडेंट टीचर आपने कोई रिसर्च बुक पढ़ी है टू कंडक्ट योर एक्शन रिसर्च स्मूथली, तो वो पूछ सकते हैं कि कौन सी रिसर्च बुक, नेम ऑफ द ऑथर, कौन सी रिसर्च बुक आपने रेफर की है या कोई वेबसाइट रेफर की है। सो सच टाइप ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एक्शन रिसर्च वाइवा। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस बेसिकली रिलेटेड टू योर एक्शन रिसर्च टॉपिक। नाउ अगेन दीज आर सैम्पल क्वेश्चंस। ठीक है, आपके दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, दिस इज जस्ट टू मेक यू रेडी कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, टू मेक श्योर दैट यू स्टडी। फाइन, लेट अस मूव टूवर्ड्स द ओपन एंडेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के सैंपल्स, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस वाइवा में पूछ सकते हैं इन द कमिंग स्लाइड। ओके, सो सैम्पल ओपन एंडेड क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग वाइवा रिलेटेड टू द एक्शन रिसर्च टॉपिक। तो एक्शन रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड दैट मींस कि जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आपको सिर्फ येस नो नहीं बोलना है या स्पेसिफिक आंसर नहीं देना, यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स। ठीक है, तो फ्यू सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं। वेरी फर्स्ट इज व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ही टॉपिक, यही टाइटल क्यों चूज किया, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड इट। नेक्स्ट इज हाउ डज रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हेल्प्ड यू इन एक्शन रिसर्च। तो रिव्यू भी थोड़े बहुत करने होते हैं आपको एक्शन रिसर्च में, तो जो रिव्यू आपने किए वो किस तरह से हेल्पफुल रहे इन कंडक्टिंग योर एक्शन रिसर्च, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। व्हाई द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी शोज लेस इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन अंडरटेकन। नाउ मे बी आपका रिजल्ट जो आ रहा है, फाइनल फाइंडिंग्स जो आ रही है, उसमें दिख रहा है कि इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन कंडक्टेड वाज नॉट सो मच, तो यू नीड टू जस्टिफाई कि क्यों क्यों रिजल्ट इस तरह से आए हैं, व्हाट माइट बी द रीजंस। सो यहाँ पे इस तरह का रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी द अपोजिट, अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो क्यों अच्छा है, ऐसा आपने क्या किया, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं वाइवा में। What is the reason of having this statement in your questionnaire? Now specifically questionnaire या आपके rating scale से related जो भी आपका tool है उससे related जो भी questions आपने बनाए हैं या statement आपने बनाए हैं वो पूछेंगे कि आपने ये वाला statement क्यों रखा है, इससे आपको क्या find out करना था। तो इस तरह के questions related to your questionnaire भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ विल दिस रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ योर लर्नर्स। तो लर्नर्स से रिलेटेड, बिकॉज सिंस दिस इज एन एक्शन रिसर्च विच इज बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्शन डन इन द इंस्टीट्यूशन और इन द क्लासरूम विच विल बी हेल्पफुल टू द लर्नर्स। तो आपका ये कंप्लीट एक्शन रिसर्च जो आपने किया है उससे क्या फायदा होगा लर्नर्स को। तो एनीथिंग, any questions related to the development or the growth of learner, how it will be beneficial to the learner, such type of questions can be asked in your viva action research viva. And the last one is share any anecdote you remembered while conducting the study. Now this is to find out ki aapne sach mein classroom mein jaake work kiya hai, action kiya hai. So it happens ki since you are a practitioner, आप ट्रेनी टीचर हो लेकिन अभी एक्शन रिसर्च कर रहे हो, आप प्रैक्टिशनर हो, आपने सही में वो एक्शन रिसर्च कंडक्ट किया है, आपने एक्शन रिसर्च से रिलेटेड जो भी मॉड्यूल है वो कंडक्ट किया है, तो श्योरली आपको कहीं ना कहीं ऐसे कोई सिचुएशंस आए होंगे जहाँ पे आपके लर्नर्स ने कुछ इस तरह का रिस्पॉन्ड किया है कि यू फेल्ट वेरी नाइस या यू फेल्ट नॉट सो गुड। सो एनी सच सिचुएशन जहाँ पे कोई लर्नर्स ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया है या ऐसा क्वेश्चन या ऐसा बिहेवियर दिखाया है वाइल कंडक्टिंग योर रिसर्च, वेर यू फेल्ड यस दिस इज समथिंग आई नीड टू शेयर विथ माई एग्जामिनर। सो कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसा इंसिडेंस यू नीड टू शेयर रिलेटेड टू योर एक्शन रिसर्च स्टडी, राइट। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड
इन योर एक्चुअल रिसर्च टॉपिक. अगेन दीज आर द सैम्पल क्वेश्चंस. ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रैक्टिशनर्स कौन से हो सकते हैं. सो लेट अस सी सैम्पल क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग वाइवा रिलेटेड टू द प्रैक्टिशनर. दैट इज कि आप एज अ स्टूडेंट टीचर जब आपने सही में ये एक्शन रिसर्च कंडक्ट किया तो आपके क्या थॉट्स थे, उससे रिलेटेड फ्यू क्वेश्चंस देखते हैं. वेरी फर्स्ट इज हाउ आर योर फीलिंग्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर एक्शन रिसर्च. तो आपने पूरा एक्शन रिसर्च कंप्लीट किया तो योर फीलिंग्स योर इमोशंस रिलेटेड टू योर एक्शन रिसर्च यू नीड टू एक्सप्रेस टू द एग्जामिनर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु हेल्प यू द मोस्ट इन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर वर्क. तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसने आपको हेल्प किया, तो आपको एक्सप्रेस करना है कि दिस इज द वन हु हेल्प मी अ लॉट एंड यू नीड टू एक्सप्रेस व्हाई यू आर ओनली चूजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, विच टाइप ऑफ हेल्प दैट पर्सन हैज ऑफर्ड. All these details. It can be your friend, it can be the teacher, it can be the one that is the principal of the institution, it can be the students who were very much engrossed in your action plan, who responded to you well, anything related to your, I may say, the person's contribution towards your research. So, is tarah ka answer aap express kar sakte hain. Next question is, what are your learnings from this action research? So, usually in BA curriculum, action research इसीलिए रखा गया है कि students learn करें कि किस तरह से research की जाती है. तो specifically action research रखा है कि at least classroom level पे तो जो problems face हो रही है उसको वो resolve कर सके instead of depending on someone else. So, जो भी लर्निंग आपकी हुई है एक्शन रिसर्च कंडक्ट करते हुए, प्रोजेक्ट बनाते हुए, प्रिपरेशन ऑफ वाइवा से रिलेटेड, यू कैन एक्सप्रेस. नेक्स्ट इट इज विच एक्शन यू लाइक द मोस्ट इन योर रिसर्च एंड व्हाई. ठीक है, सो आपको एक्सप्रेस करना है कि कौन सा एक्शन जो मॉड्यूल में आपने बनाया कि ये एक्शन करेंगे. मे बी अ एक्टिविटी, मे बी अ रोल प्ले, मे बी अ session of discussion or a debate, anything which you have done during your action plan. ठीक है, तो उसमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी है और क्यों लगी है वो आपको express करना है properly. The next question is, if given a chance, what changes you would made in your questionnaire. तो ऐसा भी question हो सकता है कि आपके rating scale में अभी तो आपने बना लिया, ठीक है, कोई changes करने हैं आपके questionnaire में, आपके tool में कोई changes करने हैं, तो कौन से चेंजेस आप करेंगे. तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टूल कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा, क्यों क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, आपने कौन सा क्वेश्चन बनाया है, इफ इट इज अ ग्रुप एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट इज डू यू थिंक दैट दिस रिसर्च हेल्प योर लर्नर्स टू ग्रो. तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है कि क्यों आपकी यही रिसर्च से आपके लर्नर्स में मे बी साइकोमोटर डोमेन में, मे बी कोग्नेटिव डोमेन में और अफेक्टिव डोमेन में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है. तो किस तरह से हुई है, कैसे इस एक्शन रिसर्च ने हेल्प किया है, यू कैन एक्सप्रेस. द लास्ट वन एज अ सैम्पल, हाउ विल यू यूटिलाइज दिस नॉलेज ऑफ एक्शन रिसर्च इन योर प्रोफेशन. सो इट इज बिन अज्यूम कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर बी एड यू आर गोइंग टू ज्वाइन योर प्रोफेशन एज अ टीचर. ठीक है, तो आपने किस तरह से ये रिसर्च जो एक्शन रिसर्च के एक्सपीरियंसेस है उसको यूटिलाइज करना है. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज द लर्निंग्स विच यू हैव टेकन फ्रॉम कंडक्टिंग दिस एक्शन रिसर्च एज अ बी एड प्रोग्राम, एज अ पार्ट ऑफ बी एड प्रोग्राम. तो ये जो लर्निंग है आपके फ्यूचर प्रोफेशन में किस तरह से यूटिलाइज करोगे. सो ऐसा क्वेश्चंस भी आपको पूछा जा सकता है कि आपकी लर्निंग्स जो भी हुई है, एक्सपीरियंसेस जो भी गैदर किए हैं, आगे आप कैसे यूटिलाइज करोगे. सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सैम्पल क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग वाइवा जो प्रैक्टिशनर के लिए स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं. फाइन, सो क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च वाइवा हमने डिस्कस कर लिया, सैंपल्स भी कर लिए. नाउ लेट अस सी फ्यू टिप्स टू अटेंड द वाइवा. सो लेट अस सी टिप्स फॉर प्रैक्टिशनर्स अपियरिंग फॉर एक्शन रिसर्च वाइवा. सो जो भी बी एड स्टूडेंट टीचर्स हैं जो एक्शन रिसर्च वाइवा को अपियर कर रहे हैं, उनके लिए थोड़े बहुत गाइडलाइंस हैं विच इफ यू फील ओके यू शुड फॉलो इट. लेट सी वन बाय वन. वेरी फर्स्ट इज
प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द वाइवा, ठीक है। तो आपको पहले से क्लियरली पता है, शेड्यूल कर दिया है वाइवा कब है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर वाइवा, ठीक है। इट्स नॉट कि मुझे सब आता है, मैंने ही किया है, मुझे याद है। यू नीड टू प्रिपेयर, ठीक है। इट इज़ एन एग्जामिनेशन, अ टाइप ऑफ ओरल असेसमेंट, सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, नो ऑल डिटेल्स अबाउट योर रिसर्च वर्क और एक्शन रिसर्च कंडक्टेड। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, यू नीड टू बी रेडी। जैसे आप नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए कैसे रेडी होते हो, वैसे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर योर वाइवा, ठीक है। ऑन दैट डे मेक श्योर दैट यू ड्रेस फॉर्मली एज वेल एज यू बी वेरी पंक्चुअल, ठीक है। रीच बेसिकली बिफोर टाइम, ठीक है। तो आप फॉर्मली ड्रेसअप करिए और बिफोर टाइम पहुंच जाइए, सो दैट यू आर नॉट लेट, एंड ऑल्सो स्टे काम एंड रिलैक्स, ठीक है। आप काम रहिए, रिलैक्स रहिए, डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट, बिकॉज दिस इज यूजुअली एग्जामिनेशन में हमें स्ट्रेस होता है। इट्स ओके, बट सिंस यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड यू आर ऑन टाइम, सो जस्ट स्टे काम, ठीक है। इन योर माइंड यू कैन जस्ट रिमेंबर फ्यू इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू योर एक्शन रिसर्च एंड वेट फॉर योर टर्न, ठीक है। सो जब आपका टर्न आता है, तो मेक श्योर दैट यू ग्रीट द एग्जामिनर्स विद अ स्माइल एंड देन द प्रोसेस ऑफ वाइवा स्टार्ट्स, ठीक है। तो लिसन द क्वेश्चन रेज बाय द एग्जामिनर, मेक श्योर दैट आप सुन रहे हो कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप पूरा अटेंशन दे रहे हो। यू लिसन एज वेल एज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर ने पूछा है। ऑल्सो कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मेक श्योर जैसे ही क्वेश्चन पूछा आप उसको प्रोसेस करें माइंड में, ऑर्गेनाइज करें आपके थॉट्स को प्रॉपरली एंड देन एक्सप्रेस इट वेरी प्रॉपरली। सो कम्युनिकेट करना एनी रिस्पॉन्स विच यू वुड लाइक टू गिव टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, मेक श्योर वर्बली भी वो प्रॉपरली हो, आपकी वॉइस क्लियर हो, आपकी वॉइस की जो पिच है वो प्रॉपर हो, एंड जो आप बोल रहे हो वो एग्जामिनर को सुनाई दे, एंड ऑल्सो आपके जो नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। सो कम्युनिकेट योर रिस्पॉन्स, योर आंसर्स इफेक्टिवली टू द एग्जामिनर और या एग्जामिनर्स, ठीक है। Then is do not hesitate to ask if you haven't understood the question. So sometimes it happens कि question जो पूछा है आपको इतना समझ में नहीं आया है, you're not clear कि question क्या पूछा है, you're not getting the exact clarity. So it's completely okay. You can ask politely कि will you please repeat? I request you to please tell it again. I'm not able to get it. Something like that you can tell to the examiner. If you do not know the answer, then can politely say, I did not remember, or I will have to work on it, or any other thing. तो अगर ऐसा कुछ होता है कि आपने कितना भी प्रिपेयर किया है पर फिर भी आपको कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई चीज नहीं आ रही है, तो अननेसेसरी जस्ट कुछ भी आंसर देने से अच्छा है कि यू कैन जस्ट से कि आई विल गेट बैक टू यू, या फिर आई नीड टू लर्न लिटिल मोर, एनीथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर आंसर देना है आपको। इट्स नॉट कि अदरवाइज एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि यू आर जस्ट मूविंग अराउंड बट यू आर नॉट एबल टू आंसर द प्रॉपर आंसर देम प्रॉपरली। सो जस्ट टेक केयर, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें सब कुछ सब आना चाहिए, बट अगर हमें नहीं आता है तो एक्सेप्ट इट एंड पोलाइटली से कि मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी या एनीथिंग, ठीक है, या फिर मुझे अभी याद नहीं है, या एनी अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट वन, स्टे कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। यस, यू नीड टू स्टे कॉन्फिडेंट क्योंकि दिस इज योर वाइवा, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, बट जस्ट टेक केयर कि डू नॉट शो योर ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि मैं महान हूँ, मुझे सब आता है। दैट एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर, बी वेरी ह्यूमन, ठीक है। आप ह्यूमन हो, कुछ चीज़ें आपको नहीं भी आ सकती है। मेक श्योर दैट यू आर हम्बल एंड यू आर नॉट शोइंग योर एटीट्यूड टू द एग्जामिनर्स, फाइन। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। फिर सारा पूरा वाइवा ये सब हो गया है, कंप्लीट हो गया है, आपके एग्जामिनर्स ने कह दिया है कि येस नाउ यू कैन गो, तो जस्ट रिमेंबर दैट यू नीड टू विश देम थैंक यू, ठीक है। आपको थैंक यू बोलना है एंड देन यू कैन लीव। सो दीज आर फ्यू ऑफ द टिप्स फॉर वी एज अ प्रैक्टिशनर्स, फॉर द स्टूडेंट टीचर्स हु आर गोइंग टू अटेंड फॉर द वाइवा, एक्शन रिसर्च वाइवा, एंड देर आर मेनी अदर टिप्स, बट जस्ट टेक केयर कि जो भी है
आपका एक्शन रिसर्च अच्छे से होगा, ठीक है? बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एक्शन रिसर्च. सो दैट्स ऑल रिलेटेड टू द टिप्स. लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. सो वी आर ऑन दिस लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन. लेट अस क्विकली समराइज कि हमने क्या पढ़ा. वी सॉ द मीनिंग ऑफ वाइवा कि एग्जैक्टली वाइवा क्या है. एक्शन रिसर्च में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्शन रिसर्च में पूछे जा सकते हैं. फ्यू सैम्पल क्वेश्चंस भी देखे एंड द टिप्स टू अटेंड एक्शन रिसर्च वाइवा. सो लेट अस नाउ कंक्लूड. सो प्रेजेंट योर बेस्ट इन योर एक्शन रिसर्च वाइवा. वो से मेक श्योर कि आपका जो वीवा है या फिर वाइवा है, वॉट एवर इट हैज बीन सेड, इज डन वेरी इफेक्टिवली. यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एक्शन रिसर्च वाइवा. ठीक है, सो गुड लक. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई रियली होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन माइट बी हेल्पफुल टू यू ऑल. सो थैंक यू सो मच एंड नमस्कार.